press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार गायत्री देवी जी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजी अली खान जी। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और जबरदस्त वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट लॉयर नाजिया इलाही खान और इलाबरेट करने वाले हैं सीए वाले मुद्दे पर। ऐसा लगता है खालू जान और खातूनों की जो टीम है वो अपने पूरे क्या बोलते हैं पूरा खा पीकर, रमजान का महीना है, खा पीकर तैयार व्यार होकर 500 रुपए का नोट चिपकाकर और बिरयानी गरम गरम प्लेट में टपका कर तैयार हो गए हैं। नाजिया, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, ओवर टू यू। रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपके तमाम व्यूअर्स को और देखने वाले लोगों को, जो हम दोनों की जोड़ी बहुत पसंद करते हैं उनको, और जो नहीं पसंद करते हैं उनको सबसे ज्यादा। तो थैंक यू सो मच गायत्री जी मुझे बुलाने के लिए। जय जय श्री राम। जी जी नाजिया, मैं वेट कर रही थी आपका सीए के ऊपर कमेंट, क्योंकि खालू जान और खातून सब तैयार बैठे हुए, तो आज आप क्यों नहीं बोल रही हो, आप क्या उनको मौका दे रही हो पिछले बीच में 10 सेकंड का कि वो तैयार हो जाए कि हम क्या बोलने वाले हैं। उनको शायद बचे, कभी-कभी 10 सेकंड मौका दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे तो अवेसी ने ऐसा ही बदनाम कर दिया है और श्रीमती ममता बैनर्जी ने, कि एक बार बोलना स्टार्ट करती है तो किसी को बोलना ही नहीं देती है। देखिए, ऐसा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जो लोग छाती पीटने वाले थे वो छाती पीटते रह गए, और मोदी जी ने 2014 में जो वायदे किए थे उन तमाम वायदों में एक वायदा सीएए भी था और उन्होंने उसको पूरा कर दिया। अब भाई सीएए लागू हो गया, अब जिसको रमजान जैसे मुबारक पवित्र महीने में मुहर्रम का मातम मनाना है वो मनाते रहे, हमें क्या लेना देना है। और अगर भारत के ऐसे ऐसे अमेंडमेंट इम्प्लीमेंटेशंस और कानून और संविधान और आर्टिकल से अगर उनको प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो टिकट टू पाकिस्तान और अफगान करने में क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा कि उटंगे पैजामे और जालीदार टोपी वाले जिहादी खालू और टेंट पहनी हुई काले काले टेंट में बिखरी हुई जिहादन काफी एक्टिव हो चुकी है। मैं सबसे पहले ये बता देना चाहती हूँ कि 8 अप्रैल 1950 में नेहरू और लियाकत ने 34 पन्नों का एक एग्रीमेंट किया था, जो एग्रीमेंट मेरे पास है। ये एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों देशों में जो माइनॉरिटीज हैं वो सेफ, सिक्योर और अपने अपने धर्मों का पालन आसानी से कर सके, इसके लिए ये एग्रीमेंट बना था। अब आती है एक बात कि भारत के में 7 लाख से ऊपर मस्जिदें हैं, 3 लाख तो एक्टिव मस्जिदें हैं, अनगिनत मदरसे हैं, अनगिनत इमामबाड़े हैं, अनगिनत मजार है, अनगिनत शाही ईदगाह हैं, और 7 करोड़ मुसलमान जो आजादी के वक्त यहाँ रहे थे अब 20 करोड़ हो चुके हैं। खुद भाई मुस्लिम लीग और जितने भी इत्तेहादुल मुहतदीन और जितने भी अवेसी टवेसी जितने सब चीख चीख कर कहते हैं कि 20 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे हिंदू भाई बहन, मेरे बौद्ध भाई बहन, मेरे जैन भाई बहन, ये सारे लोग जो 1947 में 13% हिंदू मेजोरिटी जो पाकिस्तान में थी वो 1% कैसे हो गई, 12% मेरे हिंदू भाई बहन पाकिस्तान से कहां चले गए, मार डाला, कन्वर्ट करवा दिया, कन्वर्शन करवा दिया, फेफड़े और कलेजे बेच दिए, क्या किया मेरे 12% भाई बहनों, हिंदू भाई बहनों को। अब आती है बात के 1974 में बांग्लादेश में 13.9% हमारे हिंदू भाई बहन थे बांग्लादेश में, आज 5.9% क्यों बचे, क्यों, कहां है मेरे भाई बहन, बताना पड़ेगा अवेसी को। अवेसी राजोकार की फौज का आखिरी सिपा सलार और भारत के उन्नति और भारत की तरक्की से जलने वाला अवेसी, भारत में सुकून ना रखने वाला अवेसी, भारत का बुरा चाहने वाला अवेसी और मदनी जैसे लोग जो भारत में कस्बाए हिंद का ऐलान करते हैं आज सीए पर बोलेंगे। अवेसी की डिग्री विदेशी है और नाजिया इलाही खान की डिग्री भारत की है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ ले, चुन्नू मुन्नू पढ़ लो,
कि बोल क्या रहा है, नागरिकता देने की बात कही जा रही है, नागरिकता छीनने की बात नहीं कही जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिहाद के नाम पर मुसलमानों ने पाकिस्तान के 12% हिंदुओं को मार करके और उनको कन्वर्शन करा करके हिंदुओं को खत्म करने की पूरी साजिश करी। मैं पूछना चाहती हूँ कि जिहाद के नाम पर अलकायदा और पाकिस्तान ने अमेरिका को तबाह बर्बाद किया और अन्य देशों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की, इंक्लूडिंग मेरा भारत, और कई और दुर्योधन का नानिहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया, राजा भरत का नानिहाल कई कई भी इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया, खुद को कुशाई यानी प्रभु राम के वंशज बोलने वाले आज अपने आप को अफ्रीकन बोलते हैं, भगवान गणेश और रामायण मानने वाले और पढ़ने वाले और अपनी करेंसी में भगवान गणेश की छवि प्रिंट करने वाले आज अपने आप को इंडोनेशिया का इस्लामिक देश का सिटीजन बोलना पड़ रहा है, प्रभु राम के बेटे का बसाया हुआ लाहौर लाहौर में आज हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह की सदाएं हो रही है, अल्लाह हू अकबर हो रहा है। फिर पर अगर भारत अपने हिंदू भाई बहनों के लिए बेटियों के लिए अगर भारत की सरकार सोचती है तो खुजली स्टार्ट हो जाता है, तकलीफ स्टार्ट हो जाती है। काहे भैया काहे, मैं पूछना चाहती हूँ अवेसी से, उनको पता होना चाहिए अगर विदेश की किताबों के साथ साथ संविधान की किताबें भारत की अगर उन्होंने पढ़ी है तो उनको जानकारी होनी चाहिए कि भारत का सबसे पहला लॉ मंत्री दलित था और पाकिस्तान का भी सबसे पहला लॉ मंत्री दलित ही था जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल। ऐसा क्या किया पाकिस्तानियों ने जो जोगेंद्र जी लॉ मंत्री चुने जाने के बावजूद भी उनको मुंह छुपा करके दोबारा भारत आना पड़ा और पश्चिम बंगाल के किसी एक नुक्कड़ में अपनी आइडेंटिफिकेशन छुपा कर रहनी पड़ी और अपनी कई किताबों में लिखना पड़ा कि पाकिस्तान में हिंदुओं का रहना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्यों एक लॉ मंत्री चुनकर जाने के बावजूद भी जोगेंद्र नाथ मंडल पाकिस्तान में हमेशा मुहाजिर के नाम से जाने गए? क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत सारी आज बातें हैं, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्यों हिंदू स्टूडेंट जो पंजाब यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में होली मना रहे थे उनको और होली के समारोह के वक्त में बम चला करके सारे लोगों को मार दिया गया? क्यों क्यों? तब अवेसी कुछ नहीं बोलेगा, तब अवेसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि डॉक्टर रमेश कुमार ने नेशनल असेंबली पाकिस्तान में ये खड़े होकर के असेंबली में कहा कि पाकिस्तान के 5,000 हिंदू हर साल भारत जाने के लिए परेशान रहते हैं और कई तो घुसपैठिया बन करके भारत चले जाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में हिंदू और क्रिश्चियन की छोटी छोटी बच्चियों का कन्वर्शन कराया जाता है और ये टारगेट मियां मिठू को दिया गया है कि 1 महीने में 1,000 हिंदू और क्रिश्चियन बेटियों को कन्वर्शन कराना है और अगर बच्ची 6 साल की भी हो तो किसी 5 साल के बूढ़े मुसलमान के गोद में देना है सेक्स करने के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये जो औरत फाउंडेशन पाकिस्तान में चल रहा है इसने अपनी रिपोर्ट यूएन को क्यों दी कि हजार हजार लड़कियों के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, सनातनी लड़कियों के साथ पाकिस्तान में दुर्व्यवहार हो रहा है, अश्लीलता का नंगा नाच हो रहा है, यूएन क्यों नहीं कोई स्टेप ले रहा है? और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पाकिस्तान का औरत फाउंडेशन बोल रहा है। तब अवेसी कुछ नहीं बोलता है, सिटीजनशिप में बड़ा कलेजा पीट रहा है, रमजान जैसे मुबारक महीने में मुहर्रम का मातम कर रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता देने की बात है, नागरिकता छीनने की बात नहीं है। शाहीन बाग में फिर से भगदड़ मचाने की तैयारी हो रही है, चार मीनार पर मातम का समारोह करने की तैयारी हो रही है, वेस्ट बंगाल के पाक सर्कस में खान बाबा फिर से तैयार हो गए हैं नगाड़ा लेकर के और काले कपड़े पहन करके कि भैया फिर से मातम पर बैठना है। चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? पुलिस को अपने पास से गुजरने वाला वही व्यक्ति डरता है जो चोर होता है, जो क्राइम किया हुआ होता है, तो ये मुसलमान डर क्यों रहे हैं? क्यों डर रहे हैं बताएं ना। एक 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 नज्म है, रहबरे मंजिल मशरेरा नूरे मोहम्मद सल्लल्ला, ये कलमा ले जाएगा मुझे अल्लाह की राह और जन्नत की राह। तो क्या हो गया आज आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? अगर आप भारतीय मुसलमान है तो नाजिया इलाही खान घमंड करती है कि वो भारत की पुत्री है, सीए हो एनआरसी हो, नाजिया इलाही खान को तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको क्यों प्रॉब्लम है? आपको क्या दिक्कत है? कुदरत का भी अजीब नजाम है भैया,
अल्लाह के मानने वाले पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा अल्लाह को मानते हैं, और अभी सुबह से मैं नेशनल न्यूज पर थी, सब फड़फड़ा रहे, पाकिस्तानी जो बैठ रहे पैनलिस्ट वो भी फड़फड़ा रहे किस ये क्यों हुआ। अल्लाह के मानने वाले पाकिस्तान आज भीख के भीख का कटोरा हाथ में लिए हुए हैं और भगवान राम को पूजने वाले चांद तक पहुंच चुके हैं। मैं ये भी बोलना चाहती हूं कि हिंदू जिनको हम मुसलमान को अवेसी तौकीर सलमान मदनी ये हर वक्त बताता है और सिखाता है कि काफिर बोलो, पर वो शांति फैला रहे हैं, वो अपने हिंदू भाई बहनों को ला करके नागरिकता और इज्जत देने की बात कर रहे हैं, और इस्लाम जिसको सुकून का इस मजहब कहा जाता है वो हाथ में तलवार पत्थर बम और माथे में वर्जिन 72 वर्जिन हूरों का थरम और बिस्तर पर चार बीवियां लेकर पड़े हैं। क्यों, कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं हो गया है मुसलमानों से? कहीं अल्लाह ने अपने अपनी अपनी नजर तो नहीं घुमा ली है मुसलमानों से? दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जहाँ पे नाज़िया खान जी ने बात की CA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता कानून की, और इसी मुद्दे को लेके उन्होंने मजहब के ठेकेदारों से लेके जितने चुन्नू मुन्नू जिहादी और जिहादिन है उन सबको लपेटे में लिया और सबको उधेड़ कर रख दिया। चाहे फिर बात हो ममता बनर्जी की या ओवैसी की, नाज़िया खान जी ने किसी को भी नहीं छोड़ा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपने लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।